तो भाई हमारे साथ हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और आज की जो कार्यक्रम था सफल था बहुत हद तक, और बात कर लेते हैं, एक बड़ी घोषणा आज यहाँ से हुई है। नमस्कार सर। नमस्ते भाई। ठीक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणा की है कि डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा, तो नाम दो चार संभावित बता देते हैं कौन हो सकते। ये ऐसा है कि ये 2019 में हुड्डा साहब ने ये रोहतक में ये कहा था कि हरियाणा में 4 उप मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को अगर मौका मिलेगा, वही बात आज उन्होंने दोहराई है। तो उनमें कोई भी संभावित नाम दो हुड्डा साहब से आप पूछ सकते। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम था वो कैसा था, क्या कुछ करा? आज ये एक तरीके से जनमिलन कार्यक्रम, जिसमें खास तौर पे जो हमारे शहर हैं, कस्बे हैं, उनसे सारे अलग अलग ऐसे हर वर्ग हर समाज के प्रतिनिधि मंडल मिले हैं, जो अपनी अपनी बात भी रखी है, जिनसे मिलने का अवसर मिला है। क्योंकि केवल अपने बात हम रैलियों में हम अपनी बात करते हैं, केवल अपनी भाषण देते हैं, लेकिन लोगों की सारी बात नहीं सुन पाते। तो ये इस रूप का कार्यक्रम है कि 4-5 घंटे लोगों के बीच में बैठकर उनकी बातें सुनी जाए, और ताकि लोगों के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी आगे प्रयास करे। आखिरी सवाल सर भी है, बहुत सारे युवा बेरोजगार जो कोर्टों में धक्के खा रहे हैं, वैकेंसियां रुकी खड़ी हैं, उनके लिए आप कोई विशेष एक दिन का महीने का एक कार्यक्रम? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आज हरियाणा में युवा की स्थिति दयनीय है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार आज हरियाणा के युवा पे है, और युवाओं को लेकर जैसे आपने कहा, कोई सुझाव दिया है आपने, आपके सुझाव को हम बहुत तवज्जो देंगे। थैंक यू सर।